हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल सकिक टैरो थ्री गाइस। एंड आ गए हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट 48 आवर्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर के नेक्स्ट 48 आवर्स जानने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि क्या इन नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा या नहीं आपके लिए। सो चलिए देखते हैं, कार्ड्स को शफल करना शुरू करते हैं। गाइज मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये जनरल रीडिंग है एंड कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस के लिए है, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। ओके, सो जो पार्ट आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है और जो पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं करता वो आपके लिए नहीं है। उसे स्किप कर दीजिएगा या उसे मत देखिएगा। ओके, सो अगर ये वीडियो आपसे कम्प्लीटली रेजोनेट नहीं होती तो आप किसी और वीडियो को भी देख सकते हो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को दबा दीजिए। जिस भी सिचुएशन में आप हो, चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, चाहे अभी आप दोनों रिलेशन में हो या फिर डिवोर्स की बात आ गई है, आप देख सकते हो अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्शन आएगा या नहीं। ओके, वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न। ओके, वी हैव डेथ, स्कॉर्पियो। ओके, वी हैव जजमेंट, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव नाइन ऑफ सोर्ड्स, जो मैंने अभी एक्वेरियस, चौरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न, अगेन हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है। Nine of Swords. Okay. We have the Sun, Leo, the High Priestess, Virgo. Virgo. Okay, we have Ten of Cups, the Wheel of Fortune. So we have Cancer, Scorpio, Pisces. We have Leo, Taurus, Scorpio, Aquarius. We have lovers, and bottom of the deck we have Ace of Cups and Ace of Pentacles. Okay. So guys, अगर मैं बात करूँ, हमारे पास है Gemini, और Gemini special है हमारे पास, Scorpio special है, Leo, Virgo. So definitely guys, अगर आप next 48 hours की reading देख रहे हैं तो definitely आपके partner की तरफ से मैं देख पा रहा हूँ कि अभी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है एंड इवन डिले है, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डिले है अभी, गॉड टाइमिंग है अभी, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल से मैं देख पा रहा हूँ आप दोनों बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो इस प्यार में, या फिर आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट यस आपके पर्सन उस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर डिले आता है। एंड मे बी इनकी करियर लाइफ में भी डिले आ रहा है बहुत ज़्यादा इस पर्सन की, तो डेफिनेटली इस वजह से ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहा है। सो डेफिनेटली ये पर्सन चाहता है कि अपने लव लाइफ को और अपनी करियर लाइफ को दोनों को बैलेंसिंग में लाए पहले, क्योंकि जब भी ये मैनिफेस्ट करते हैं अपने करियर में या अपनी लव लाइफ में तो वहाँ पर डिले आता है, क्योंकि मैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून देख पा रहा हूँ, तो यस डिवाइन टाइमिंग का वेट तो करना पड़ेगा आपको। ओके, एंड द डेथ कार्ड मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि यस जो भी टफ सिचुएशंस चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मे बी मैं इनके करियर की तरफ देख पा रहा हूँ कि जो भी टफ सिचुएशन चल रही है इनके करियर को लेकर नेक्स्ट 48 आवर्स में, उसके लिए कोई ना कोई जजमेंट हो सकती है। एंड इवन ये जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ख़त्म हो सकती हैं, बिकॉज वी हैव जजमेंट, गॉड का कोई ना कोई जजमेंट आएगा इनके करियर के लिए, एंड ये पोजीशन गेट कर जाएंगे, पैसा कमाएंगे। द किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे क्लियरली दिखा रहा है, ये पर्सन पैसा कमाएंगे, गॉड की जजमेंट होगी इनके लिए, एंड डेफिनेटली इनको कोई ना कोई अथॉरिटी गेट होगी, यहाँ से मेरे को ये क्लियरली दिख पा रहा है। एंड नाइन ऑफ सोर्ड मुझे क्लियर दिखा रहा है कि इनकी लव लाइफ अभी बहुत ही रुइंड है और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, इस वजह से ये अभी आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, ये बहुत परेशान है, बहुत ही दुखी हैं। एंड इवन इनको लगता है कि यस इनको आपसे बातचीत करनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, इस वजह से ये आपसे बातचीत भी नहीं कर पा रहे हैं। इनको बहुत एंजाइटी जैसा फील होता है, इनके रातों की नींद उड़ी हुई है, डेफिनेटली इनको समझ ही नहीं आता है कि किस तरीके से आपसे कॉन्टैक्ट किया जाए और किस तरीके से अपनी उन सभी गलतियों को, उन जो भी इन्होंने पास्ट में किया उनके लिए आपसे माफ़ी मांगी जाए। बट यस ये होप रखते हैं, अभी भी होप है इन्हें इस रिलेशनशिप में, ये आपके लिए होप रख के बैठे हुए हैं, गुड लक आएगा इनकी लाइफ में, बट अभी थोड़ी हार्डशिप चल रही है, बट गुड लक है।
आगे चल के गुड लक है, पॉजिटिव हो, आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, इस पर्सन को पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। पॉजिटिव होगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में गुड लक आएगा, तो गुड लक है, डेफिनेटली है। एंड द हाई प्रिस्ट्रेस मुझे क्लियरली दिखा रहे हैं कि यस, थोड़े से इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में, मे बी कास्ट इशू, फैमिली इशू, क्योंकि और इवन ये पर्सन बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव भी रहा है पास्ट में, आपको हर एक बात इसने टाइम टाइम पर नहीं बताई। बट यस, अब ये पर्सन चाहता है कि ये आपसे हर एक चीज़ खुलकर एक्सप्रेस करे, आपको हर एक चीज़ बताए, एक हर एक चीज़ आपसे आपको समझाए, जो भी पास्ट में उन्होंने गलतियाँ की वो किस वजह से हुई और क्या सिचुएशन थी, क्या प्रॉब्लम्स थी इनकी लाइफ में, वो सब ये आपको क्लियर कर दें। एंड देन ये आपको अपनी अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं, आपके साथ एक फैमिली बना सकते हैं। एंड इवन नेक्स्ट 48 आवर्स में मैं देख पा रहा हूँ कि यस, कि कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा बहुत कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे पास कोई भी एक्शन का कार्ड नहीं आया है गाइस, तो मैं एक्शन नहीं बोल सकता, बट यस मैं फैमिली कार्ड से देख पा रहा हूँ ना ना, हमारा ये कार्ड है जो 10 ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि ये आपसे कनेक्ट हो सकते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, या फिर किसी फ्रेंड्स के थ्रू। बट यस, प्रॉपर कनेक्शन बनाने में या फिर जिस तरीके से आप पास्ट में थे वो कनेक्शन वापस लाने में तो टाइम है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है हमारे पास, सो डेफिनेटली उसमें टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा। एंड यस, यू आर डिवाइन काउंटर पार्ट्स, आपको एंजल्स ने मिलाया, यूनिवर्स ने मिलाया, आपका ऐसे ही मिलन नहीं हुआ है, आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप लोग डेफिनेटली यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों सोलमेट हो, सॉरी, सो सोलमेट हो आप दोनों, क्लियर दिख रहा है यहाँ से। एंड एस ऑफ कप और एस ऑफ पेंटिकल मुझे दिखा रहा है कि अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में आप भी अपने करियर के लिए कुछ सोच रहे हो तो आपके पास ऑफर आने वाला है। एंड एस ऑफ कप्स भी मुझे यहाँ से दिखा रहा है कि यस, ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। ये एस ऑफ पेंटिकल ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई ऑफर आ जाए, तो मे बी कॉन्टैक्ट बन सकता है, कनेक्शन मैंने कहा ना कि कॉन्टैक्ट बन सकता है, बट प्रॉपर एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे। सो डेफिनेटली एस ऑफ पेंटिकल मुझे दिखा रहा है कि यस, ये पर्सन आपको ये पेंटिकल दे सकता है, आपको एक ऑफर दे सकता है। एंड इवन एस ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है कि यस, ये आपसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव चल रहा है आप दोनों के बीच में, समझ रहे हैं आप। तो चलिए देखते हैं एनर्जी ओरेकल से आपके लिए क्या आता है। वी हैव डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आपको हीलिंग की जरूरत है तो हीलिंग कीजिए अपनी, आपके पर्सन को भी हीलिंग की जरूरत है, आपको अगर लगता है आपको हीलिंग की जरूरत है, हील कीजिए खुद को। ओके, एक सेकेंड गाइज, वी हैव 7th चक्रा आर्क एंजल यूरियल, सो डेफिनेटली 7th चक्र आर्क एंजल यूरियल आपको ये बताने आया है कि आपको ज़रूरत है अपनी विजडम का इस्तेमाल करने की, अपने विजडम को जगाने की, अपने क्राउन चक्र को ओपन करने की, अपने दिमाग को अवेयर रहिए हर चीज़ से, हर चीज़ से अवेयर रहने की ज़रूरत है आपको। यस, वी हैव द थिंकिंग वुमेन, तो सोचिएगा मत, आप दोनों ही शायद बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में आप तो कुछ ज़्यादा ही सोचने वाले हो, बिकॉज वी हैव द थिंकिंग वुमेन, अब मैन भी हो सकता है जो मेरी रीडिंग को देख रहा है, तो डेफिनेटली आप कार्ड्स के थ्रू जज ना कीजिएगा, ओके, क्योंकि कार्ड से एनर्जी बताते हैं। सो डेफिनेटली थिंकिंग वुमेन है यहाँ पर, तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वर्क करते रहो, गॉड अपने आप आपको ब्लेसिंग्स देंगे। वी हैव बैलेंस, एंजल ऑफ बैलेंस, तो डेफिनेटली आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत है अभी थोड़ी सी। एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, डेफिनेटली नेगेटिविटी से दूर रहोगे तो डोर टू रोमांस ओपन हो जाएगा, सो नेगेटिविटी से आपको दूर रहने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ओके, नेगेटिव मत होना बिल्कुल भी चीज़ों को लेके कि कांटेक्ट नहीं हो पाया नेक्स्ट 48 आवर्स में, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्यों मेरा कांटेक्ट नहीं बन पा रहा, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप कांटेक्ट बन जाएगा। डिवाइन फैमिलिन, ओके, काफ़ी ही खूबसूरत एनर्जी में चल रहे हो आप, तो डेफिनेटली इस एनर्जी को बेकार मत होने देना। द सिल्वर वाटरफॉल, अबंडेंस आएगी नेक्स्ट 48 आवर्स में, अबंडेंस है, अबंडेंस मिलेगी आपको, डेफिनेटली अबंडेंस मिलेगी। डिस्ट्रॉटेड फैमिलिन एंड वी हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, सो गाइज अभी आप बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में चल रहे हो, डेफिनेटली द सिल्वर वाटरफॉल अबंडेंस भी आपको मिलेगी, बट अगर कुछ लोगों के केस में कनेक्शन नहीं बन पाता है नेक्स्ट 48 आवर्स में, सो डेफिनेटली आगे चल के भी कोई ना कोई ऐसी टाइमिंग आएगी, क्योंकि वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सो डेफिनेटली कुछ लोगों का जल्दी हो जाएगा, कुछ लोगों का लेट होगा, बट होगा ज़रूर। ओके,
सो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में भी आप चल रहे हो एंड द सिल्वर वाटरफॉल कार्ड आया है, तो ये डेफिनेटली कार्ड अबंडेंस दिखा रहा है मुझको कि आपको अबंडेंस मिलने वाली है. बट द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन भी मुझे ये दिखा रहा है कि आगे चल के अगर कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है नेक्स्ट 48 आवर्स में, तो आप अपने आप को द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी में कन्वर्ट मत कर देना, अपना सारा सेल्फ वर्क खत्म मत कर देना. सो डेफिनेटली आप अपने सेल्फ वर्क पर लगे रहना एंड डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी से बचकर रहना. ओके ब्लेसिंग, आप देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है निकल के यहाँ से. ओके वी हैव टू कार्ड्स, वी हैव स्पिरिचुअल यूनियन, गॉड कह रहे हैं यस आप दोनों का स्पिरिचुअल यूनियन होगा. वी हैव पैशन इग्नाइटेड, सो डेफिनेटली पैशनेट रहिए, आपका स्पिरिचुअल यूनियन डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली. ओके वी हैव बेस चाक्रा, सो डेफिनेटली जो भी अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो भी खत्म हो जाएंगी. एंड इवन अगर आपको लगता है कि आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए अपने पर्सन को, सो डेफिनेटली आप कर सकते हो वो भी. बट अगर आपका पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट बनाता है तो ही करना ये, क्योंकि अभी नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन के चल रहे हैं गाइज, और आपकी भी आपके लिए भी गाइडेंस आ रही है कहीं ना कहीं से निकल के. सो डेफिनेटली आपको बस डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी से बच के रहना है. वी हैव शैडो, सो डेफिनेटली पास्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो अभी, तो पास्ट से ना थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करो, और जो पास्ट में चीज़ें की हैं उनसे एक लेसन एक लर्निंग करके अपनी आगे बढ़ जाओ, अपने लिए वर्क करना शुरू कर दो. वी हैव थ्रॉट चक्रा, सो डेफिनेटली आप लोगों को थ्रॉट चक्रा ओपन करने की ज़रूरत है. जैसे ही आपके पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करता है तो डेफिनेटली थ्रॉट चक्रा ओपन होगा ही होगा, एंड आप बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट करना ट्रुथ. वी हैव जजमेंट कार्ड अगेन एंड विक्ट्री एंड सक्सेस, तो डेफिनेटली विक्ट्री एंड सक्सेस आपको मिलेगी. ट्रू तो आया हमारे पास, जजमेंट तो है गॉड का, कोई ना कोई जजमेंट होगा आपके लिए, डेफिनेटली जजमेंट होगा गाइज. सो गाइज ये थी आपके नेक्स्ट आपके पर्सन के नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग. अगर आपसे ये रेजोनेट हुई है मैच हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में. अभी के लिए बाय बाय.